हेलो स्टूडेंट्स मैथ्स एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट टू के लिए आज हम करेंगे, करेंगे हम किसके लिए? Interest, कि हमने क्या फाइंड आउट करना होगा टाइम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें करनी होगी हमने एक्सरसाइज ट्वेल्व में किया था क्या निकालना था हमने या तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना था या फिर अमाउंट निकालनी थी तो इसके लिए हमें फॉर्मुला गिवन था एस आई सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिड बाय हंड्रेड यानी कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाई हंड्रेड ये फॉर्मूला हमें गिवन था यहां से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते थे और अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को हम एड कर देते थे अमाउंट निकल आती थी बट हम इस एक्सरसाइज में करेंगे एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट टू में टाइम हमने फाइंड आउट करना है और या फिर या हमें टाइम फाइंड आउट करना है या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है हमें टाइम और प्रिंसिपल गिवन और सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है तो हम रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के साथ हम मल्टीप्लाई में हंड्रेड लिखेंगे रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कौन सा फॉर्मुला लिखेंगे रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में हंड्रेड वैसे भी ये यहाँ पे डिवाइड में हंड्रेड है इधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हंड्रेड हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई हंड्रेड और डिवाइड बाय में क्या आ जाएंगे पी मल्टीप्लाई टाइम प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम पी और टी बच जाएंगे आर तो हमने निकालना ही है इधर बच आ जाएगा और पी और टी इसके साथ डिवाइड में चले जाएंगे और अगर हमने टाइम फाइंड आउट करना है तो क्या आएगा सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई हंड्रेड डिवाइड बाई पी मल्टीप्लाई आर आप इन दोनों को याद भी कर सकते हो और आप इसको इसी फॉर्मुले में से सोल्व करके भी निकाल सकते हो क्योंकि हंड्रेड यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला गया सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई हंड्रेड और रेट फाइंड आउट करनी थी रेट को इधर रखेंगे पी को इधर डिवाइड में ले आए टी को भी इधर डिवाइड में ले आए पी मल्टीप्लाई टीस के साथ डिवाइड में हो गए क्योंकि जब भी इक्वल टू से इधर उधर लेके जाते हैं नंबर्स को या वेरिएबल को तो वो क्या होते हैं अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाते हैं डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाते हैं तो इसलिए रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई हंड्रेड डिवाइड बाई पी मल्टीप्लाई टी एंड टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई हंड्रेड डिवाइड बाई पी मल्टीप्लाई आर तो ये फॉर्मुला अप्लाई करके आप रेट भी निकाल सकते हो और टाइम भी निकाल सकते हैं और हम क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर वन फाइंड फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द फॉलोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है फर्स्ट क्वेश्चन में प्रिंसिपल हमें गिवन है रुपीज टू हंड्रेड सिंपल इंटरेस्ट गिवन है रुपीज ट्वेंटी एंड टाइम गिवन है टू ईयर तो हम यहाँ पे सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट पहले जो चीज हमें गिवन है वो यहाँ पे हम राइट करेंगे टू हंड्रेड रुपीज हमें प्रिंसिपल गिवन है एस आई सिंपल इंटरेस्ट गिवन है रुपीज टू ट्वेंटी एंड टाइम गिवन है टू ईयर्स तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है रेट क्या फाइंड आउट करनी है रेट यानी कि आर फाइंड आउट करनी है हमारे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता था पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाई हंड्रेड ये होता था लेकिन हमने सिंपल इंटरेस्ट नहीं फाइंड आउट करना सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है हमने फाइंड आउट करना है रेट यानी कि आर आर फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई में हंड्रेड डिवाइड में हंड्रेड था उधर ले जाएंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा मल्टीप्लाई में हंड्रेड और डिवाइड बाई में क्या आ जाएगा पी एंड टी आर निकालना है पी और टी इसके साथ डिवाइड में चला जाएगा यानी कि पी मल्टीप्लाई ये फॉर्मूला है आप इसको याद भी रख सकते हो रेट फाइंड आउट करने का अब वैल्यू पुट करेंगे इसमें रेट निकल आएगी सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ट्वेंटी रुपीज मल्टीप्लाई में हंड्रेड डिवाइड बाई में पी क्या है टू हंड्रेड रुपीज मल्टीप्लाई में टाइम कितना है टू इयर्स तो वैल्यू पुट किया हमने सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे पी की जगह पे एंड टी की जगह पे जो जो वैल्यू यहां से हमने पुट किया जो हमें गिवन था अब इसको कट कर सकते हैं हम क्यों क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो हम क्या कर सकते हैं ऊपर नीचे नोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हैं टू जीरो से टू जीरो कैंसिल पीछे टू जीरो थी टू जीरो से टू जीरो कैंसल हो गई अब हम इसको कट करेंगे टू बच गया यहाँ पे टू वन जा टू टू टेन जा ट्वेंटी यहाँ पे टेन आ गया अब नीचे टू है ऊपर टेन है तो कट करेंगे टू वन जा टू टू फाइव जा टेन तो फाइव बच गया नीचे वन बचा है यहाँ पे भी वन है यहाँ पे भी वन बच गया यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे फाइव बचा है तो हमारी रेट कितनी निकल के है फाइव और रेट किसमें होती है परसेंट में तो रेट इज इक्वल टू फाइव परसेंट ये क्या है आंसर तो इस टाइप से आपने रेट फाइंड आउट करनी है नाउ बी पार्ट में भी सेम हम यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है सिंपल इंटरेस्ट टाइम गिवन है सभी फोर uh, के फोर पार्ट में हमें इसी टाइप से वैल्यू गिवन है प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट एंड टाइम आप रेट फाइंड आउट करोगे सेम ही फॉर्मूला अप्लाई करोगे नाउ क्वेश्चन नंबर टू फाइंड द टाइम पीरियड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइम पीरियड यहाँ पे हमने निकालना है प्रिंसिपल गिवन है सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ पे क्या गिवन है हमें रेट गिवन है तो हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्किन का ए पार्ट सोल्व करते हैं प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज फिफ्टीन हंड्रेड सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रूपीज वन हंड्रेड फिफ्टी एंड रेट आपको गिवन है यहाँ पे फाइव परसेंट और टाइम हमने फाइंड आउट करना है क्या निकालना है टाइम तो कैसे निकालेंगे टाइम uh, निकालने के लिए टी इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में हंड्रेड डिवाइड बाई में पी मल्टीप्लाई आर पी मल्टीप्लाई आर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगी सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है वन हंड्रेड फिफ्टी ये देखो यहाँ पे वन हंड्रेड फिफ्टी मल्टीप्लाई में हंड्रेड डिवाइड में प्रिंसिपल हमें गिवन है फिफ्टीन हंड्रेड मल्टीप्लाई में रेट हमें गिवन है फाइव अब इसको सोल्व करेंगे हम कैंसिल कर लेते हैं कैंसिल करना है हमने सेम टेबल पे कट करेंगे क्या करेंगे सेम टेबल पे कट करेंगे आ, अगर अलग अलग टेबल पे कट नहीं करना है, हमने अगर ऊपर नीचे सेम टेबल पे कट हो रहे हैं तो उनको कैंसिल करेंगे टू जीरो से टू जीरो कैंसिल अब फिफ्टीन बच गया है यहाँ पे और यहाँ पे वन हंड्रेड फिफ्टीन है तो फिफ्टीन पे दोनों नंबर कैंसिल हो रहे हैं वन फिफ्टी और फिफ्टीन फिफ्टीन वन जा फिफ्टीन फिफ्टीन टेन जा वन हंड्रेड फिफ्टी टेन आ गया यहाँ पे कट के वन आ गया यहाँ पे फाइव बचा है ऊपर टेन बचा है फाइव और टेन दोनों सेम आ रहे हैं फाइव की टेबल पे फाइव वन जा फाइव फाइव टू जा टेन तो कितना आया टू नीचे वन बचा है और ऊपर क्या बच गया कैंसिल होने के बाद सब कुछ कैंसिल करने के बाद टू बचा है तो टाइम इज इक्वल टू क्या आया टू ईयर्स टाइम आया है टू ईयर्स अब हम यहाँ पे सभी पार्ट दिए गए हैं सेकेंड का डी पार्ट तक आप सोल्व करोगे टाइम फाइंड आउट करना है सभी में नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री कार्तिक बोरो रूपीज सिक्स थाउजेंड फ्रॉम हिज फ्रेंड अमित अपने फ्रेंड से वो सिक्स थाउजेंड बोरो कर रहा है बोरो कर रहा है मतलब उधार ले रहा था क्या हुआ उसका प्रिंसिपल हुआ क्या हुआ प्रिंसिपल प्रिंसिपल कितना है रुपीज सिक्स थाउजेंड ही गेव रूपीज फाइव हंड्रेड एज इंटरेस्ट और फाइव हंड्रेड वो एज ए इंटरेस्ट दे रहा है आफ्टर टू ईयर दो साल के टाइम पीरियड के बाद वो फाइव हंड्रेड रुपीज इंटरेस्ट दे रहा है एट वट रेट रेट फाइंड आउट करनी है ये देखो यहाँ पे लिखा है एट वट रेट मिस प्रिंट हुआ हुआ है ये स्पेस नहीं दिया हुआ है यहाँ पे एट वट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिड ही बोरो मनी फ्रॉम अमित तो कौन किस रेट पे वो आ, किस रेट पे उसने अमित से मनी बोरो ली है तो यहाँ पे हमने थर्ड क्वेश्चन सोल्व करना है इसको हम सोल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन प्रिंसिपल हमें गिवन है प्रिंसिपल गिवन है सिक्स थाउजेंड सिक्स थाउजेंड रूपीज सिक्स थाउजेंड प्रिंसिपल गिवन है और सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है फाइव हंड्रेड वो कहा गया है इसमें कि वो सिंपल इंटरेस्ट फाइव हंड्रेड दे रहे हैं फाइव हंड्रेड रुपीज इंटरेस्ट दे रहा है टू साल के बाद टू ईयर के बाद यानी कि टाइम हमें दिया गया है टू ईयर टू इयर्स टाइम दिया गया है टू इयर्स के बाद वो फाइव हंड्रेड रुपीज सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है और मनी बोरोस थाउजेंड यानी कि ये प्रिंसिपल है सिंपल इंटरेस्ट है रेट टाइम है अब हमने निकालनी है रेट यानी कि आर हमने निकालना है तो आर क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई हंड्रेड डिवाइड बाई पी मल्टीप्लाई टी इस टाइप से हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई में हंड्रेड डिवाइड में प्रिंसिपल गिवन है सिक्स थाउजेंड टाइम गिवन है टू वैल्यू पुट कर दी सभी की हमने यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर सिंपल इंटरेस्ट की या सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 6000 मल्टीप्लाई 2 कैंसिल करेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल 1 0 से 1 0 कैंसिल अब 50 बच गया ऊपर ऊपर 50 बचे हैं नीचे 6 और 2 बचे हैं तो 52 की टेबल में आता है हाँ जी आता है तो 2 से कैंसिल करेंगे 2 1 2 <coughs> 2 2 4 वन बच गया टू फाइव जै टेन यहाँ पे बच गया ऊपर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव बचे नीचे सिक्स बचे ट्वेंटी फाइव और सिक्स सेम टेबल पर नहीं आते तो हम इनको लिख लेते हैं ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाय सिक्स हाँ जी देखो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कुछ और तो नहीं बचा नहीं यहाँ पे कितना आया ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई सिक्स अब इसको डिवाइड कर देते हैं पॉइंट में हम ले आते हैं या फिर ये भी कह सकते हो आप ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई सिक्स परसेंट या फिर आप इसको डिवाइड कर लो जा, लगा के हम जीरो लेंगे सिक्स uh, वन जा सिक्स सिक्स टू जा ट्वेल्व ज्यादा होते हैं सिक्स वन जा सिक्स फिर फोर बच गए सिक्स फाइव जा सिक्स सिक्स सेवन या फोर्टी टू ज्यादा हो जाएंगे सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स आए यानी कि इतने परसेंट हमारी रेट आ गई फोर पॉइंट वन सिक्स परसेंट रेट आ गई है न क्वेश्चन नंबर फोर मोगली डिपॉजिट रुपीज टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड इन फाइनेंस कंपनी आफ्टर थ्री ईयर इयर हर रिसीव्ड रुपीज सिक्स हंड्रेड एज इंटरेस्ट फ्रॉम द कंपनी Uh, मोगली क्या करती है डिपॉजिट करती है मनी बैंक में फाइनेंस uh, कंपनी में ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज आफ्टर थ्री इयर्स थ्री इयर्स के बाद शी रिसीव्ड वह रिसीव करती है सिक्स हंड्रेड इंटरेस्ट वो कितना करती है हर uh, जो वो इंटरेस्ट है उसका सिक्स हंड्रेड रुपीज है कंपनी में फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एन्यम फाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकालना है क्या निकालना है हमने रेट उसकी क्या फाइंड आउट करनी है रेट फाइंड आउट करनी है तो इसे भी आप सोल्व करोगे वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे जैसे हमने ऊपर हमने थर्ड क्वेश्चन में किया है और क्वेश्चन फाइव सिक्स और सेवन इनमें हमने क्या करना है ये थोड़े डिफरेंट है इसमें कैसे करोगे मिस्टर वर्मा डिपॉजिटेड रूपीज सेवन थाउजेंड इन बैंक आफ्टर फोर इयर्स ही गॉट रूपीस नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फॉम द फ्रॉम द बैंक वो कह रहे हैं कि मिस्टर वर्मा डिपॉजिट करवा रहा है सेवन थाउजेंड बैंक में और चार साल के बाद उसको बैंक से कितने रुपए मिलते हैं नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी रुपीस बैंक से वापस मिलते हैं तो यानी कि जो ये पैसे वापस मिल रहे हैं वो क्या है उसका उसके टोटल अमाउंट है ये ये क्या दी गई है हमें इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ हमें अमाउंट दी गई है जो नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी देखो इससे ज्यादा है सेवन थाउजेंड से ज्यादा है प्रिंसिपल से ज्यादा है तो ये क्या गिवन है यहाँ पे अमाउंट गिवन है सिंपल इंटरेस्ट आपको यहाँ पे नहीं दिया गया सिंपल इंटरेस्ट आप यहाँ पे निकालोगे सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करोगे अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा फिर आपके पास प्रिंसिपल भी होगा सिंपल इंटरेस्ट भी होगा एंड टाइम भी होगा उसके बाद आप क्या निकाल सकते हो एट वट रेट रेट फाइंड आउट करनी है तो रेट आप यहाँ पे निकाल सकते हो तो तीनों ही क्वेश्चन में आपको यहाँ पे भी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको क्या दी गई है अमाउंट दी गई है अमाउंट uh, में से आप क्या करोगे प्रिंसिपल को माइनस करोगे तो एस SI आई निकल आएगा सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा तो उसका यूज करके आप यहाँ पे भी रेट फाइंड आउट करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट दी गई है अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके सिंपल uh, इंटरेस्ट निकालोगे और उसके बाद टाइम पीरियड निकालोगे तो एक क्वेश्चन यहाँ पे हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ उसकी हेल्प से आप तीनों क्वेश्चन सोल्व करोगे सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे और उसके बाद आप टाइम या रेट निकालोगे तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ यहाँ पे सोल्व करते हैं फिफ्थ में क्या दिया गया है प्रिंसिपल दिया गया है रुपीज सेवन थाउजेंड सेवन थाउजेंड रुपीज दिया गया है उसके बाद टाइम दिया गया है फोर ईयर टाइम फोर टाइम दिया गया फोर इयर्स एंड यहाँ पे क्या दी गया नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज अमाउंट दी गई है अमाउंट क्या दी गई है रुपीज नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी रुपीस फ्रॉम द बैंक तो अमाउंट दी गई है लेकिन जब हमने रेट क्या करनी है रेट फाइंड आउट करनी है रेट नहीं पता हमें क्या है रेट निकालनी है तो हम रेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई हंड्रेड डिवाइड बाई पी मल्टीप्लाई टाइम तो सिंपल इंटरेस्ट पता होना चाहिए लेकिन यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया गया इन्होंने टोटल अमाउंट दे दी यानी कि सिंपल इंटरेस्ट भी इसके अंदर इंक्लूड है और ये प्रिंसिपल भी इसके अंदर इंक्लूड है टोटल इन्होंने एड करके बता दिया कि ये अमाउंट उसको वापिस करेंगे चार साल के बाद टोटल ये वाली अमाउंट यानी कि इसमें प्रिंसिपल भी ऐड है तो सिंपल इंटरेस्ट हम यहाँ पे निकाल लेंगे क्योंकि हमें रेट निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट की नीड होगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट है नाइन एंड सिंपल प्रिंसिपल है सेवन माइनस करेंगे टू माइनस जीरो टू जीरो टू माइनस जीरो टू जीरो माइनस जीरो जीरो टू माइनस जीरो टू फाइव माइनस जीरो फाइव एंड नाइन माइनस टू सॉरी नाइन माइनस सेवन टू तो कितनी आया हमारे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया है उसके बाद हमने रेट निकालनी है तो रेट इज इक्वल टू एस आई मल्टीप्लाई हंड्रेड डिवाइड बाई पी मल्टीप्लाई टी ये फॉर्मुला अप्लाई करोगे एस आई हमें गिवन है टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी जो भी हमने फाइंड आउट किया है मल्टीप्लाई में हंड्रेड प्रिंसिपल हमें गिवन है ऑलरेडी सेवन थाउजेंड एंड कर लेते हैं टू uh, जीरो से टू जीरो है यहाँ पे भी पीछे जीरो ऊपर नीचे जब जीरो होती है और पीछे होती है बीच वाली जीरो कट नहीं होगी लास्ट में जब जीरो होती है वो कट हो जाती है वो एक वन जीरो यहाँ पे रहेगी पीछे है ये भी इस जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी अब हम क्या करेंगे इसको कैंसल करेंगे सेम टेबल पे ऊपर नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर पे डिवाइड कर सकते हैं फोर एंड टू हंड्रेड फिफ्टी टू इसको डिवाइड करेंगे ये दोनों नंबर क्या हो रहे हैं टू से डिविजिबल हैं क्योंकि यहाँ पे वन प्लेस पे टू है और ये फोर टू से डिविजिबल है टू टू जा फोर इसको कैंसिल करेंगे टू वन जा टू 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 जा फोर बच गया वन टू सिक्स जा ट्वेल्व वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स आ गया अगेन वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स टू से डिविजिबल होगा यहाँ पे टू बचा हुआ है टू वन जा टू टू सिक्स जा ट्री बच गया टू थ्री जा सिक्स सिक्सटी थ्री आया है अब सिक्सटी थ्री सेवन से डिविजिबल है सेवन आया है नीचे ऊपर सिक्सटी थ्री है यहाँ पे वन बच गया अब सिक्सटी थ्री ऊपर है सेवन नीचे अब इसको भी कैंसिल कर सकते हैं सेवन की टेबल में सिक्सटी थ्री आता है नाइन नाइन प्लेस पे तो सेवन वन जा सेवन सेवन नाइन जा सिक्सटी थ्री अब इसको पूरे आ, प्रोसीजर को हमने कैंसिल करने के बाद ऊपर कितना बचा है नाइन तो रेट कितनी आई है नाइन परसेंट डिवाइड बाय में वन आया वन हम लिखते नहीं होते तो रेट इज टू नाइन परसेंट ये आपका क्या है आंसर आया इसी टाइप से आपने आगे सिक्स तो और सेवन्थ क्वेश्चन भी करने हैं उन क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पे अमाउंट गिवन होगी और आप सिंपल इंटरेस्ट वहां पर निकालोगे अमाउंट माइनस पी करके एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करनी है थैंक यू